पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने आज गुना दौरे पर आए आशीष सक्सेना आयुक्त संभाग ग्वालियर को गुना विश्राम गृह में कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर ने सबसे पहले कोविड-19 की गाइडलाइन के पालन के लिए मोर्चे का धन्यवाद दिया। अपनी ओर से मोर्चे की मांग शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ में गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए मौजूद रहे। आज चाचोड़ा राधोगढ़ की टीम ने पूर्व विधायक ममता मीणा जी को ज्ञापन सौंपकर शासन तक मांगे पहुंचाने का आग्रह किया, जिसमें ममता मीणा ने अपनी ओर से मांगों को जायज बताते हुए अपनी ओर से शासन के समक्ष पुरजोर तरीके से मांगों को पूरा करने के लिए अपनी बात रखेगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, ऐसा में सीधा असर आम जन पर पड़ने लगा है। हड़ताल पंडालों में हितग्राहियों की भीड़ उमड़ने लगी है और ये उल्लेखनीय है कि कर्मचारी भी मानवता दिखा रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत पुरा पोसर के ग्राम गणेशपुरा में राम सिंह लोधा का 14 वर्षीय बालक की सर्पदंश से मौत हो गई थी। वहां के सचिव मुकुट धाकर ने संबंधित के साथ संपूर्ण मदद की। मनरेगा के अंतर्गत जहां प्रदेश में रोजाना 1 करोड़ मजदूर काम करते थे, वो घटकर 1 लाख से नीचे आ गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों कून आवास जियो टैग न होने से अपूर्ण की स्थिति में है। हितग्राहियों को अगली किश्त नहीं मिल पा रही है, इसके कारण हितग्राही परेशान है। अंकुर अभियान जिसमें जिले स्तर पर 50,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, उसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि हम तो शासन के हालात को देखकर केवल अपनी वो मांगों को पूरा करने का बात कर रहे हैं जिसकी फाइलें अधिकारियों की टेबल पर दबी हैं। हम सभी की अनार्थिक मांगे शासन प्रशासन पूर्ण करे। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मेरे से जो सर ये सब वो मांगे हैं, अनार्थिक मांगे हैं। हम शासन की स्थिति हमको संज्ञान में है और कोई भी हमारी आर्थिक मांग नहीं है और ये सब आपको धन्यवाद आपने कोविड का पालन करते हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शांति की है।